सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद मैं एक और वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। मतलब 3 से 4 महीने हो गए मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो नहीं आई, और आप मेरा हुलिया देख सकते हैं। तो भाई एक्सीडेंट हो गया था और इसीलिए वीडियोस नहीं आ रही थी। आप पैर देख सकते हो इधर। अभी ये सब बांध बूंद के आया हूँ क्योंकि वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए। तो जो भी कहानी है, जो स्टोरी है, वो मैं इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड कर दूँगा, वहाँ आप देख लेना। और जो भी एक्सीडेंट के फ़ोटोज़ पिक्चर है वो मैं अभी यहीं डाल दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। बाकी बिना देरी के हम जल्दी से बाइक का रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं और दिखाते हैं। तो चलिए, तो आज हमारे पास है यहाँ पे बजाज की नई वाली बाइक। तो आप देख सकते हैं बजाज वालों का काम कितनी फास्ट है। मतलब फटाफट बाइक लॉन्च करने जा रहे हैं ये लोग, एक से एक बाइक लॉन्च कर रहे हैं। तो एन सीरीज़ में हमारे पास 125 सीसी की कमी थी, वो भी आ गई। बट हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था जैसे एन सीरीज़ जो चल रही थी, मुझे लगा कुछ वैसी ही आएगी, लेकिन ये उससे काफ़ी अलग है। तो इन लोगों ने इस बार कुछ अलग किया है, नया ट्राई किया। जैसे कि आप देख सकते हो बाइक का लुक एकदम बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। मतलब क्योंकि फ़ोटोज़ देखने में तो यही लग रहा था कि भाई बाइक नहीं है, कोई कार्टून बना दिया, लेकिन सामने से बात ही कुछ और है। तो इसमें क्या क्या अपडेट हैं और क्या क्या चीज़ें आई हैं और इसका प्राइस क्या होने वाला है ऑन रोड, सब मैं डिटेल में बात करूँगा। तो फिलहाल सबसे पहले हम इस बाइक के लुक के बारे में बात करते हैं। जो लुक आप देख सकते हो फ्रंट से, कितना तो सामने से आप लुक देख सकते हो, कुछ ऐसा इसका आ रहा है यहाँ पर। इसकी जो वैसे हेडलाइट की बात मैं करूँगा, इसकी हेडलाइट जो है होंडा की हॉर्नेट से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, बट इन लोग का अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और बाइक आप दूर से देख सकते हो कैसी दिखने में, कैसी लगती है। और फ्रंट में आपको मिलते हैं यहाँ पे डेली टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और इसमें ये कुछ कवर टाइप का लगा हुआ है, शायद से एग्जॉबर है। मतलब हाँ, ये एग्जॉबर इसको कह सकते हो, अगर जो गड्ढे गुड्ढे हैं तो शायद से मेरे हिसाब से कुछ बैलेंस करेगा। बाकी आपको फ्रंट में इसमें देखने को मिलते हैं डिस्क ब्रेक, और बट अगर जो वहीं पर रेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलने वाले हैं रेयर में, और फ्रंट में आपको डिस्क और इंजन आप देख सकते हो। इसका इंजन कुछ ऐसा दिखने में लगता है। बाकी 125 सीसी का इंजन है, और इसका जो पावर की बात करते हैं, इसका जो बीएसपी पावर है वो है 11.83, और न्यूटन मीटर टॉर्क है वो है सिर्फ 11 का। और यहाँ पे बाइक आप यहाँ पे आप टैंक की बात करते हैं, तो इसका टैंक कुछ ऐसा दिखने में है। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी शार्प लुक आता है सामने से, और यही इस बाइक के लुक को थोड़ा सा इन्हेंस कर रहा है। और सामने से तो आपको मैंने दिखाई दिया था, और इसके मिरर भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर हम सामने से दूर से बाइक देखते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को ये लगती ही नहीं है, 125 सीसी वाला फील नहीं देने वाली ये बाइक। बट अगर जो हम वहीं पर इसकी एलईडी की बात करें, ये देख सकते हैं आप, तो बिना स्टार्ट के हम अगर जो पास दबाते हैं तो ये सारी लाइटें जो हैं जलने वाली हैं, और लाइट कुछ ऐसी है। मतलब अब रात का इसका क्या फोकस होने वाला है उसके ऊपर फिर कभी डिटेल में हम वीडियो बना देंगे। बाकी हम इंडिकेटर की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो साइड में इसके इंडिकेटर आते हैं, वो हैलोजन में ही आते हैं। मतलब अभी तक इन्होंने इसमें एलईडी इंडिकेटर नहीं दिए हैं, ये छोटी सी कमी है। अगर जो एन वाले इंडिकेटर इसमें दे देते, जैसे N160 में है, तो बात ही कुछ और हो जाती। और वहीं पर हम इसके मीटर पर आते हैं, तो जब हम इसका मीटर ऑन करते हैं तो आप देख सकते हो इसका मीटर भी वही वाला है जो कि हम लोगों को नया, मतलब इनकी जितनी बाइक हैं अभी जो एन सीरीज़ में हैं या फिर NS में, सब में सेम टाइप का मीटर दे रहे हैं। तो डिजिटल मीटर भी है, और यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ही मिलता है हम लोगों को, और साइड स्टैंड लगी हुई है इसमें भी, ये शो कर रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर अब हम आपको स्विच वगैरह दिखा दे रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने ये भी अपडेट दे रखा है। यहाँ पे ये इग्निशन स्विच है, उसके नीचे आइडल स्विच है। यहाँ पे अगर जो हम ये कर देंगे तो फिलहाल ये काम नहीं करेगा, लेकिन इस पे जब बाइक लगी रहेगी तो ट्रैफिक भी हमारी बाइक अगर जो खड़ी है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा इंजन, नीचे से रुका है। बाकी इस साइड हम चलते हैं, तो यहाँ पर हम स्विच है वो मीटर का है, यहाँ पर देख सकते हो आप मीटर में जो भी चीज़ें हैं वो चेंज हो रही है, इंडिकेटर का हो गया, बाकी यहाँ पर पास वाला हो गया। और मिरर आप देख सकते हो इसके कुछ अलग हैं, मतलब ये मिरर अलग हैं फिलहाल, ये अभी किसी भी बाइक में हम लोगों ने नहीं देखा है। और बाकी यहाँ पे सीट की बात करते हैं, तो आप सीट देख सकते हो, काफ़ी सीट का साइज़ काफ़ी लंबा है, मतलब सीट बहुत बढ़िया है इसकी होने वाली है। फिलहाल अगर जो हम 3 से 4 लोग बैठना चाहें तो आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि आप इसका टैंक देख सकते हो काफ़ी आगे तक गया हुआ है। मतलब नॉर्मली बाइक में यहाँ से सीट स्टार्ट होती है, बट इसमें इतना स्पेस ऑलरेडी है, एक लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 लोग बैठ सकते हैं। फिलहाल 2 ही अलाउ है इंडिया में। और बाकी आप बाइक कुछ ऐसे देख सकते हो लुक वाइज। और अगर जो हम इसके टायर सेक्शन की बात करें,
टायर सेक्शन की बात करें तो 110 सेक्शन के यहाँ पे रियर में टायर मिलता है और 17 इंचेस के एलॉय मिलते हैं। वही 17 इंच के एलॉय आगे भी मिलते हैं, बट में भी 80 सेक्शन के टायर मिलते हैं, 17 इंचेस के एलॉय मिलते हैं। तो बाकी यहाँ पे और एक और चीज़ इसमें हमने देखी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें किक का भी ऑप्शन है। अगर जो आपकी बैटरी ख़राब होगी तो आप किक मार के भी स्टार्ट कर सकते हो इस बाइक को। और बाकी यहाँ पे लुक वाइज देखो भाई, क्या ही बनाया है भाई, बहुत बढ़िया लग रही है बाइक। ये दूर से ही अच्छी लग रही है, सब पास से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और बाकी बनाया तो ठीक ही ठाक है। हम अगर जो रियर से इसका व्यू देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखने में है, आप देख सकते हो। बस इसके इंडिकेटर जो है थोड़ा सा अगर जो इनको LED कर देना था तो काफ़ी बढ़िया हो जाता। बाकी बाइक का लुक तो बहुत बढ़िया है। तो अगर जो हम इसकी सीट हाइट की बात करें तो 790 mm की सीट हाइट है इसकी। तो अगर जो हम फ्यूल टैंक की बात करें तो इसकी कैपेसिटी 9 से 10 लीटर की कैपेसिटी है। और वहीं पे अगर जो हम टैंक पे आते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी इसमें देखने को हम लोगों को मिलने वाला है। और क्या क्या इसमें है वो हम आपको बताते हैं। मतलब इसमें तो वही जैसा कि मैंने आया वही फीचर है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें आती है और ज़्यादा कुछ आता नहीं है फिलहाल, तो अभी इतना ही है। बाकी इसका लुक तो हमने दिखाई दिया आपको। अब इसकी प्राइस है, प्राइस की भी बात कर लेते हैं। एक शोरूम प्राइस इसका 94 या 98 के आसपास है। अगर जो ऑन रोड की प्राइस की बात करें तो लखनऊ में नामधारी बाजार पर आपको 118,000 की ऑन रोड पड़ने वाली है। हम आपको बाइक पर बैठ के थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो बाइक पर मैं आपको जैसा कि बैठ के भी दिखाने वाला हूँ। ये लो बाइक पे हम बैठ गए, संभाल के बैठना पड़ता है, पैर में चोट है। तो बाइक पे बैठने से ये ऐसा लुक आ रहा है, मैं थोड़ा सा आपको चला के भी दिखा दे रहा हूँ। हैंडलिंग की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया लग रही है मुझे। अभी राइड रिव्यूज़ का अभी मैं दे नहीं सकता हूँ क्योंकि थोड़ी दिक्कत है पैर में, तो ज़्यादा गाड़ी चला नहीं सकता। बट ऐसे मैं आपको चला के थोड़ा सा बता देता हूँ भाई। चलाने में तो काफ़ी स्मूथ भी लग रही है और हैंडलिंग भी इसकी काफ़ी सही है। ब्रेकिंग का तो अभी मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ। बाकी आप अगर सीट हाइट की बात करें तो ये देख सकते हो आप, मेरे इतने पैर दोनों साइड से आ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा जो एंकल है वो उठा हुआ है दोनों साइड से। तो और मेरी हाइट जो है वो भाई 5.5 है, उससे भी थोड़ी से कम है, 5.5 आप कह सकते हो। तो 5.5 हाइट का अगर जो बंदा है तो वो इतना बैठ के इतना पैर दोनों साइड से रख सकता है। और बाकी लुक कैसा लग रहा है मेरा छोड़ ही देना, मैं तो जंगली लग रहा हूँ। बाइक का लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, बाइक आपको अगर जो लखनऊ से परचेज़ करनी है तो नामधारी बजाज गूगल भी कर सकते हो आप, वो तिलीबाग के पास में है शोरूम, तो वहाँ पे आपको 118,000 की मिलेगी। और अगर जो मेरे वीडियो के रेफरेंस से जाते हो तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो चलिए फिलहाल इतना ही आज के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, हेलमेट समझ पहन के चलिए और सेफ राइड करिए। और एडवांस में आपको हैप्पी दिवाली।